बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में। जो लोग फिरौन बने हुए थे और जो अपने आप को ताकत का सरचश्मा समझते थे कि जी हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, हमने फॉर्म 47 की हुकूमत बना ली, अब जनाब हमें कोई हिला नहीं सकता, नाज़रीन उन्हें एक इबरतनाक शिकस्त हुई है, बहुत बड़ी शिकस्त। इसलिए कहते हैं कि एक प्लान बनाते हैं ज़मीन वाले और एक खुफिया तदबीर करता है आसमान वाला, और खुफिया तदबीर आसमान वाले की कामयाब होती है। आज ये बात बिल्कुल सच साबित हुई नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है और वो खुद अपनी शिकस्त को उन्होंने तस्लीम कर लिया है। जिस तरह काजी फैजीसा साहब ने आज अपनी शिकस्त तस्लीम की थी अदालत के अंदर, इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। कैसे तस्लीम की, आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो मुकम्मल तौर पर अपनी हार मान चुकी है और उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान को हराना अब नामुमकिन है। और अब नाज़रीन दूसरी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि स्टूडेंट का जो एहतजाज है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर रहा है और मरियम सरकार इस वक्त खौफज़दा है और खौफ के मारे उनका इकतदार हिल रहा है, और खौफ के मारे जिस तरह कोई हाथ पांव मारता है अब वो हाथ पांव मार रहे हैं। क्या हाथ पांव मार रही है मरियम, और क्या आज छुट्टी का ऐलान किया गया है नाज़रीन, छुट्टी का ऐलान। जी हाँ नाज़रीन, जो अपने आप को बड़ी धमकियाँ दे रही थी मरियम नवाज साहबा बैठी हुई, अजमा बुखारी साहबा, कि जी मैं देख लूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, ये झूठ बोलते हैं साफ़ी। अब क्या किया जी, पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज की कर दी गई है, पंजाब भर में हर किस्म के जलूस और तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी 2 दिन के लिए। पाबंदी का इतलाक़ 18 और 19 अक्टूबर को होगा। और ये किया गया जी अमन व अमान के क्याम, इंसानी जानों और अमला के तहफ़ के लिए, सिक्योरिटी खतरात को पेश नज़र कोई भी अवामी जलूस दहशत गर्दों का सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अब कह रही कि दहशत गर्दों का सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, हालांकि ये इस खातून वो ठीक कहते थे कि 3 औरतें जो हैं वो पंजाब को चला रही और नहायत ही बेवकूफाना तरीके से चला रही, जिस तरह का आजमा बुखारी साहब ने धमकियां दी, उसके बाद मरियम नवाज साहब ने धमकियाँ दी। तो अब जो एहतजाज है स्टूडेंट का इतना ख़तरनाक हो गया है कि अब इसको रोकना नामुमकिन है। अब नाज़रीन इनको चाहिए था कि ये स्टूडेंट्स को बुलाती, उनसे बात करती प्यार से मोहब्बत से, इन्हें समझाती भाई आपके पास कोई सबूत है तो लेके आए, तो अगर नहीं है तो फिर आप इत्तेजाज ख़त्म करें। इन्होंने बजाय इसके कि स्टूडेंट्स को ये करती, क्योंकि इनकी फिरौनियत है, इनकी आदत है हमेशा, ये जालिम के साथ हमेशा खड़ी होती है, तो ये खड़ी हो गई और अपने आप को बादशाह समझ के ये बातें करने लगी। तो आज ये नतीजा हुआ कि अब इसकी कुर्सी खुद की हिलती हुई नज़र आ रही है और लग नहीं रहा कि अब ये यहाँ से बच पाएंगे। इनके लिए बड़ा ख़तरनाक मोड़ आया है। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी शिकस्त इनको हुई है वो मैं शिकस्त भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन पिछले दिनों से बड़ा एक चर्चा चल रहा था कि जी आइनी तरमीम करवा ली जाएंगी और आइनी तरमीम करवाने के बाद जनाब को 10 साल का प्रोग्राम है, तो इमरान खान ख़त्म शुद, PTI ख़त्म शुद और बस जी अब इस हुकूमत को कोई नहीं हिला सकता। ये दावा करते थे इस्टेब्लिशमेंट के टाउट, ख़ास तौर पर मुनीर फारूक साहब, कि जी निज़ाम तो ऐसे ही चलेगा। आप उनकी हर वीडियो देख लें, उसमें कहते हैं कि निज़ाम ऐसे ही चलेगा जी, कोई इसको नहीं हिला सकता, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, निज़ाम ताकतवर कह रहे हैं कि जी ऐसे ही हमने चलाना है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन आज उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। अरे सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, ये ट्वीट है जी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मुन्ना भाई MBBS का ट्वीट है। ये वही मुन्ना भाई हैं जो कि कहा करते थे कि जी ताकतवर कह रहे हैं कि जी निज़ाम यही चलेगा, इसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। ये वही मुन्ना भाई हैं, ये ट्वीट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मुन्ना भाई कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उनके ऊपर मेरा एनालिसिस है। मुन्ना भाई अपना एनालिसिस दे रहे हैं, हालांकि मुन्ना भाई एनालिसिस तो देते नहीं हैं, मुन्ना भाई को तो व्हाट्सएप पर जो खबर आती है किसी मेजर कैदर की तरफ से मुन्ना भाई चला देते हैं। अब मुन्ना भाई कह रहे हैं कि PMLN है पिप्ड बाई द इट्स एलाइजेस एंड मौलाना साहब When they are in far now consolation prize, मुन्ना भाई अब कह रहे हैं कि PMLN जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए आइनी तरमीम ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्हें हरा दिया है और अब सिर्फ वो अपने दिल को तसलियाँ दे रहे हैं।
धरी ये जो मुन्ना भाई बात कह रहे हैं ना, नून ली की नहीं है, ये वहां से उनका पैगाम है कि हम हार गए, क्योंकि मुन्ना भाई जो भी बात करते हैं वो नून ली का पैगाम नहीं होता, वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम होता है। मुन्ना भाई कह रहे हैं कि जी हम हार गए, हम आईनी तरमीम नहीं कर सके, ये मुन्ना भाई कह रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और ट्वीट आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पर आपको ट्वीट नजर आ रहे हैं, ये चंद दिन पहले के ट्वीट है, जिसे मुन्ना भाई भी कह रहे थे कि आईनी तरमीम जो 20 अक्टूबर को पास हो जाएंगी, ग़रीदा फरूकी साहब अभी कह रही थी कि आईनी तरमीम जनाब पास हो जाएंगी और ये जो है 20 तारीख को, यानी कि इन्हें क्या किया जाता है कि दोनों को जो खबरें वहां से मिलती है ना, ये बेचारे वर्ड भी तब्दील नहीं करते, सेम टू सेम वैसे ट्वीट कर देते हैं। अब दोनों की मुन्ना भाई की ट्वीट आपने देख ली कि मुन्ना भाई कह रहे हैं कि आप तो नूली, यानी मुन्ना भाई आप खुद कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे है मुन्ना भाई। अब ग़रीदा फरूकी साहब क्या कह रही हैं, ग़रीदा फरूकी साहब कह रही हैं इतलात के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क्याम के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई हैं, आईनी बेंच के क्याम पर इत्तफाक। ये कह रही हैं जनाब ग़रीदा फरूकी साहबा कि आईनी बेंच पर इत्तफाक हो गया। ना जी, आईनी बेंच पर इत्तफाक नहीं हुआ, ये मौलाना फजल रहमान साहब की तरमीम है, जो आपने राज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी उसके बाद आपको नून लीग के वहां लटके हुए चेहरे बता रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने मानने से इनकार कर दिया था। अब ये ग़रीदा फरूकी साहब का ट्वीट आना और मुन्ने का ट्वीट आना, ये इस चीज को वादे करता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। और मैं आपको पहले कह रहा था कि एक जो खुफिया तदबीर आसमान वाला करता है, जमीन वाले अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, सब कुछ हमारे हाथ में, नहीं, ताकतवर अल्लाह ताला की जात है, वो जो चाहे कर सकती है और उसने आज करके दिखा दिया। आप नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो इनके लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि सेनेटर कैमरान मुर्तजा साहब ने आज असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर तकरीर करते हुए कहा कि उन्होंने इसके ऊपर बात की, चूंकि नसीमा एहसान साहब जो कि BNP की मैंगल की सेनेटर है, जिनके ऊपर जो अख्तर मैंगल साहब ने ट्वीट भी किया था कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो वो तो बेचारी नहीं बोल सकी, वो बैठ गई थी, लेकिन सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि नसीमा एहसान से बात करना ये तकरीबन होने वाली थी, 2 मिनट मजीद खड़ा होता तो मेरी आंखों में से आंसू गिर जाते, पाकिस्तान को चलाना है तो ऐसे वोट ना लें, अकल और दलील की बुनियाद पर वोट लें। उन्होंने कहा कि जिस तरह आप डरा धमका के वोट ले रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमें वोट दें, इस तरह वोट नहीं होंगे, बलोचिस्तान पहले ही बड़ा जख्मी है, फिर आप मजीद उसको जख्मी करने की कोशिश कर रहे हैं और कल गेम आपके हाथ में नहीं रहेगी, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप तरमीम करवाना चाहते हैं तो आप अख्तर मैंगल साहब को एतमाद में लें, वो आ जाते हैं, उनसे बात करें, अकल की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर आप हमें कायल करें कि आपकी बात दुरुस्त है, हम आपको वोट देंगे। लेकिन ये जोर जबरदस्ती वाला जो तरीका आपने अख्तियार किया है, अब ये सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने इस बात को कन्फर्म किया कि ये किस हद तक गिर चुके थे, किस हद तक खवातीन चादा चारदीवारी का तकद्दस, नसीमा एहसान साहब ने ये कहा कि चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल ना करें। नाजी, ये जालिम किस हद तक बढ़ चुके थे, फिर अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज़ होती है जो इनके मुंह पर आज पड़ी है। आज कादी साहब भी अपने घर को जा रहे हैं, आईनी बेंच भी नहीं मान रहा, फौजी अदालतें भी नहीं मान रही, अब आखिरी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पर कैल किया लिया जाए कि जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उसके ऊपर कैल किया लिया जाए, और वजीर आजम को, वजीर आजम से इख्तियार ले लिया जाए कि वो आर्मी चीफ को हटा सकते हैं। यानी अब यानी आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि आर्मी चीफ जो है वो 6 साल तक रहें, उन्हें कोई हटा ना सके, और अगर हटाना हो तो वो 2/3 अक्सरियत से हो, तो 2/3 अक्सरियत से हटाना जो किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। तो अब ये आखिरी कोशिश की जा रही है कि किस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पर मनवा लिया जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम।